डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज वेरी इजी और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेट्स से देयर आर फाइव फिलोसोफर्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. सो दीज आर द फाइव फिलोसोफर्स. नाउ दीज फाइव फिलोसोफर मे आइदर बी इन द ईटिंग स्टेट और द थिंकिंग स्टेट. लेट्स से दे आर सिटिंग इन द राउंड टेबल. ठीक है, एक राउंड टेबल में बैठे हुए, राउंड टेबल में बैठे हुए और इनके सामने जो है कुछ खाने का सामान रखा हुआ है और इनके लेफ्ट और राइट पे चॉपस्टिक्स रखी हुई. ठीक है, इनके लेफ्ट और राइट में चॉपस्टिक्स रखी हुई. ठीक है, तो ये जो चॉपस्टिक्स है वो उनकी संख्या भी नंबर ऑफ फिलोसोफर के बराबर है. पांच फिलोसोफर हैं तो पांच चॉपस्टिक्स भी हैं. किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक फिलोसोफर को एक ईटिंग स्टेट में पहुंचने के लिए दोनों फॉर्क चाहिए, जो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका नंबर करें तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री नंबर फॉर्क है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थ्री नंबर चॉपस्टिक है, ये फोर नंबर चॉपस्टिक है और ये फाइव नंबर चॉपस्टिक. ओके, अगर मान लीजिए कि फिलोसोफर नंबर वन को अगर ईटिंग स्टेट में जाना है तो इसके पास चॉपस्टिक्स नंबर होना चाहिए वन और टू दोनों, और टू नंबर को अगर ईटिंग स्टेट में जाना है तो इसके पास चॉपस्टिक्स होने चाहिए टू और थ्री, और थ्री नंबर प्रोसेस को अगर जाना है ईटिंग स्टेट में तो इसके पास चॉपस्टिक्स होने चाहिए थ्री और फोर, और फोर नंबर फिलोसोफर को अगर ईटिंग स्टेट में जाना है तो इसके पास जो चॉपस्टिक्स होने चाहिए वो फोर और फाइव होने चाहिए, और फाइव नंबर के पास जो अगर उसको ईटिंग स्टेट में जाना है तो जो चॉपस्टिक्स होने चाहिए वो होने चाहिए फाइव और वन. इसका मतलब एक उसके लेफ्ट में है और एक उसके राइट में, दोनों अवेलेबल होगा तभी जो है एक फिलोसोफर ईटिंग स्टेट में जाएगा. अगर फिलोसोफर को दोनों फॉक्स नहीं मिलते या दोनों चॉपस्टिक्स नहीं मिलते तो उस केस में वो ईटिंग स्टेट में एंटर नहीं कर सकता, वो किस ये दूसरे स्टेट में चला जाएगा, उस स्टेट का नाम है थिंकिंग स्टेट. सो अ प्रोसेस और अ फिलोसोफर इज आइदर इन द थिंकिंग स्टेट और इन द ईटिंग स्टेट. ईटिंग स्टेट में कब जाएगा, जब उसको दो रिसोर्सेस मिलेंगे. कौन कौन से, एक लेफ्ट वाली चॉपस्टिक्स और एक राइट वाली चॉपस्टिक. अगर आप ध्यान से सोचें, पांच ही लोग हैं और पांचों को अगर ईटिंग स्टेट में जाना है तो आपको 10 फॉर्क चाहिए, पांच से काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वन नंबर फिलोसोफर को हमने वन और टू दे दिया, वन नंबर फिलोसोफर को चॉपस्टिक वन और टू दे दिया, तो वन नंबर फिलोसोफर जो है वो ईटिंग स्टेट में पहुंच जाएगा. मैंने ई लिख दिया इसके ऊपर, ये ईटिंग स्टेट में पहुंच जाएगा. क्योंकि वन और टू ऑक्यूपाइड है फिलोसोफर नंबर वन के द्वारा, इसलिए फिलोसोफर टू नहीं जा सकता ईटिंग स्टेट में, क्योंकि उसको टू भी चाहिए. तो ये किस में रहेगा, ये थिंकिंग स्टेट में, ये तीन स्टेट में रहेगा. फिर अगर हम थ्री नंबर प्रोसेस की बात करें या थ्री नंबर फिलोसोफर की, तो इसको थ्री और फोर दोनों इसके पास अवेलेबल है, तो दे दीजिए इसको और ये ईटिंग स्टेट में प्रवेश कर जाएगा. ओके, नाउ फोर नंबर की बात करते हैं. फोर नंबर जो फिलोसोफर है उसका फोर नंबर सॉरी उसका जो लेफ्ट वाला है वो ऑक्यूपाइड है और राइट वाला जो ऑक्यूपाइड नहीं है, तो राइट वाले से काम नहीं चलेगा, दोनों मिलेगा तभी ये जाएगा. तो इसको हम थिंकिंग स्टेट में भेजते हैं, इसने एक भी रिसोर्स ऑक्यूपाई नहीं किया और ये थिंकिंग स्टेट में चला. अब पांच नंबर फिलोसोफर की बात करते हैं. पांच नंबर फिलोसोफर के लेफ्ट वाला ऑक्यूपाइड है, राइट वाला ऑक्यूपाइड नहीं है, तो ये थिंकिंग स्टेट में जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम दो फिलोसोफर मेरे ईटिंग स्टेट में गए और बाकी के जो तीन हैं वो थिंकिंग स्टेट में गए. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ओवरलैपिंग या शेयर्ड रिसोर्सेज की बात कही जा रही है. ठीक है, एक ही रिसोर्स दो प्रोसेस के द्वारा शेयर किया जा रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच में शेयर किया जा रहे हैं, ऐसी स्कीम है यहाँ पे. और फिलोसोफर दो स्टेट में हो सकता है, ईटिंग स्टेट या थिंकिंग स्टेट. ईटिंग स्टेट का सिंपली मीनिंग ये है कि उसको रिसोर्सेस मिले और वो सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए या क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, और अगर दोनों रिसोर्सेज एक साथ नहीं मिले तो हमारा जो प्रोसेस है वो वेट करेगा. सो नाउ दिस इज द सोल्यूशन टू दी दिस सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे हमने माना कि चॉपस्टिक नाम से मेरे पास एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेरिएबल सेमाफोर है चॉपस्टिक नाम से, और ये चॉपस्टिक फाइव है एक्चुअली. ठीक है, चॉपस्टिक फाइव है. चॉपस्टिक फाइव का मतलब क्या है कि पांच साइज का एक एरे बन गया. ये जो पांच साइज का हमारा एरे बना उसमें ये इंडेक्स जीरो होगा, इंडेक्स वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा. इन सबकी वैल्यू को वन इनिशलाइज कर लीजिए. सबकी वैल्यू को वन इनिशलाइज करने का ये मतलब है कि अगर वन है तो मतलब कि ये रिसोर्स अवेलेबल है, चॉपस्टिक जीरो अवेलेबल है. जीरो है तो इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं. ठीक है, तो
ये पांच अलग अलग वेरिएबल ही माने जाएंगे, लेकिन हमने इसको एरे में ले लिया चॉपस्टिक फाइव को। तो अब हमने जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम माना उसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, किसी भी फिलोसोफर आई के लिए है ना, चलिए हम एग्जाम्पल जीरो से ले, तो अभी लास्ट एग्जाम्पल हमने वन से लिया था, लेकिन चलो अब जीरो से मान लेते हैं। मान लेते पांच ही फिलोसोफर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो चॉपस्टिक जो है इसके लेफ्ट में जीरो नंबर और राइट में वन नंबर, लेफ्ट में वन नंबर राइट में टू नंबर, लेफ्ट में टू राइट में थ्री, लेफ्ट में थ्री राइट में फोर। तो चॉपस्टिक का भी जो नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, और चॉपस्टिक का जो नंबर है वही हमारा एरे में इंडेक्स है। ओके, किसी भी, अच्छा जैसे मान लो जीरो नंबर प्रोसेस है, मैं जीरो नंबर प्रोसेस को ऐसे कर दे रहा हूँ, इसमें जीरो नंबर प्रोसेस को या जीरो नंबर फिलोसोफर को अगर ईटिंग स्टेट में जाना है तो उसको चॉपस्टिक के कौन कौन से नंबर चाहिए? जीरो चाहिए और वन चाहिए, ठीक है? तो जीरो नंबर को चाहिए जीरो और वन, इसी तरह से वन नंबर को कौन सा चाहिए? वन और टू। टू नंबर को कौन सा चाहिए? टू एंड थ्री। थ्री नंबर को कौन सा चाहिए? थ्री एंड फोर। और फोर नंबर को कौन सा चाहिए? फोर एंड जीरो, ठीक है? तो हमने इसको एक फार्मूला बना दिया कि कौन कौन सा चॉपस्टिक चाहिए, चॉपस्टिक आई चाहिए और आई प्लस वन मॉड फाइव, फिलहाल के केस में मॉड फाइव। मॉड फाइव का क्या मतलब है? कि अगर आप वन प्लस वन मॉड फाइव करेंगे तो टू आ जाएगा, ठीक है? फोर प्लस वन मॉड फाइव करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा ना। तो ये जो फोर नंबर प्रोसेस है उसको कौन कौन सा रिसोर्स चाहिए? फोर चाहिए और साथ ही साथ फोर प्लस वन मॉड फाइव मतलब जीरो भी। तो इसीलिए हमने ये कहा कि वेट चॉपस्टिक आई, अगर चॉपस्टिक आई अवेलेबल है और चॉपस्टिक आई प्लस वन मॉड फाइव दोनों अवेलेबल है तो आप ईटिंग स्टेट में चले जाओ, ठीक है? ईटिंग स्टेट में आप चले जाओ। दोनों अगर अवेलेबल है तो साइमल्टेनियस, दोनों में से कोई भी एक अवेलेबल नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। अच्छा, मान लीजिए कि ईटिंग स्टेट फिनिश हो गया, ईटिंग स्टेट फिनिश होने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों चॉपस्टिक को फ्री कर देंगे, तो वेट फंक्शन क्या करेगा? इसको जीरो कर देगा। जीरो नंबर प्रोसेस के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो जीरो नंबर रिसोर्स और वन नंबर रिसोर्स दोनों को ये जीरो कर देगा। वन था वेट फंक्शन के थ्रू, इसको जीरो कर देगा। फिर जब ईटिंग स्टेट से हमारा प्रोसेस निकलेगा तो इन्हीं वैल्यूज को वन कर देगा, चॉपस्टिक आई और चॉपस्टिक आई प्लस वन मॉड फाइव, इन दोनों को ये वन कर देगा। तो दोनों रिसोर्स मिले तब वो ईटिंग स्टेट में गया, और ईटिंग स्टेट को फिनिश करने के बाद वो थिंकिंग स्टेट में गया, ठीक है? तो अगर रिसोर्स मिल रहे हैं तो ईटिंग स्टेट में, रिसोर्स विड्रॉ कर लिए गए या रिसोर्स नहीं मिल पा रहे तो वो थिंकिंग स्टेट। सो दिस इज दी सोल्यूशन टू दी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम आई, ठीक है? ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का